दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि भाई स्टॉक मार्केट की अपडेट हो या लाइफ के जो भी स्तोत्र हो या लाइफ कोचिंग हो या फिर कुछ भी आप करते हो, जो भी आप काम करते हो, उस काम के अंदर अगर मान लो आपको 90% भी सक्सेस नहीं चाहिए तो आपके अंदर मतलब हमारे भीतर जो सूक्ष्म बॉडी है उसके अंदर जो चक्रास होते हैं, सात चक्रास जो आपको दिख रहे हैं सात कलर के, ये सातों सात चक्रास के मंत्र अलग अलग होते हैं। ये मंत्रस की इमेज मैंने निकाली है। अगर मान लो कोई एक चक्रास अगर बंद है तो मान लो कि भी ब्रेन के अंदर आपके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आदि आती आती रहेगी, कुछ गलत विचार आते रहेंगे, कुछ धारणाएं समझ लो जो विश्वास है आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, मतलब ऐसी कुछ चीजें होगी जो आपको एक हमें जो है ना डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। मतलब क्या होगा ये संकल्प हमारे मन के अंदर आता है और कैसे होगा ये संकल्प आता है मन के अंदर, लेकिन भरोसा नहीं होता है। ये सारी चीजें होती हैं चक्रास की वजह से होती है। इसलिए कहते हो कि भाई मेडिटेशन जब करते हो तो मेडिटेशन के जो बैठने की सीट होती है, मतलब मेडिटेशन बैठने का जो जरिया होता है ना, तो ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स, इस पिक्चर्स की तरह बैठ सकते हो, तब जाके जो चक्रास की गति होती है वो एक्टिव होती है। ये जो सिंबल है इस तरह बैठना है, मतलब करोड़ रज्जो को स्थिर करके बैठना है, तब जाके सक्सेस आती है। तो उसकी इफेक्ट कहाँ पर पड़ती है? हमारे लाइफ के अंदर पड़ती है, आपके लाइफ के गोल के अंदर पड़ती है, आप जो काम करते हो उसके अंदर पड़ती है। तो मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट देता हूँ। कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर, मतलब पिछले महीने के अंदर मैं एक स्टॉक लिया था और वो स्टॉक था अशोक लेलैंड, और मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक शामिल था और मेरी जिद थी कि ये 227 जाएगा। 175 पर मैंने बाई किया था। आज अशोक लेलैंड 227 आज हिट हो ही गया। आखिर में क्यों ऐसा? बिकॉज के ये नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज नहीं होता है इसके अंदर। मतलब कि अगर मान लो आप पावर ऑफ नॉलेज लेके काम कर रहे हो कि 227 आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस है ना कूदता जाएगा, आपको लगेगा ये आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लो डेट याद हो आपको, आपको मान लो कि भाई उसकी वजह पता हो कि जैसे गवर्नमेंट बनी है और गवर्नमेंट बनने के बाद में ये टारगेट आना जरूरी है, मतलब कि अशोक लेलैंड की गाड़ियां रोड पे घूमती है, सिया टायर लगा हुआ है भाई, हमारे टायर लगा हुआ है, काफी सारी इंजिन्स लगे हुए, मतलब जो भी कुछ चीजें यूज होती है वो सारी चीजें इसके अंदर भाव बढ़ती ही है बराबर। तो डेली का जो सीए जरूरत है उसके हिसाब से भाव बढ़ा और 227 का टारगेट है 175। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर भी मैंने लेवल दिए थे, वो सारे लेवल हिट हुए। 23,110 का, 23,090 का मैंने लेवल दिया था, वो भी हिट हुआ। और 49,556 का जो लेवल दिया था, तो मार्केट 49,856 पर गया। कहने का मतलब कि बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी भी ऊपर गया। और आज के दिन की अगर ट्रेड की बात करूँ हमारे ग्रुप के अंदर, तो हमारे ग्रुप के अंदर अगर ट्रेड की बात करूँ तो ये ट्रेड में हमारे ग्रुप के दिखाई दे बता बता रहा हूँ कि सुबह से हमने क्या किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये आपको डेटा दिखा रहा हूँ मैं कि जैसे मार्केट ने सुबह ओपन किया यहाँ पर, और एक बोलते हैं ना, जैसे मेरे ग्रुप के अंदर पहले से मैंने बता दिया था कि मार्केट गैप अप होने वाला है, ना कि गैप डाउन ओपन होने वाला है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि देखो मार्केट में अगर मान लो पूरा का पूरा डेटा नीचे की तरफ सब लोग खड़े हैं, यहाँ पर पुट लेकर खड़े हैं, तो उनकी एसएल तो भैया यहाँ हिट होनी है। तो मार्केट ने ये जो लाइन मैंने बनाई यहाँ पर ओपन हुआ, फिर रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद में मैंने बोला कि भाई मार्केट बाइंग की तरफ ही है, मार्केट सेलिंग की तरफ नहीं है। और उसकी अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर मैंने दिखा दी, और मेरे ग्रुप के अंदर मैंने यही कहा कि भी मार्केट सही की तरफ है। आपको डेटा दिखाई देगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर अभी मेरे ग्रुप के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ से आपको डेटा दिखा रहा हूँ बराबर। पूरा का पूरा आप डेटा दे सकते हो कि भी मैंने यहाँ पर कॉल ही दी है, और 23,029 और 23,090, मतलब के 90 तक के मैंने कॉल दिए थे, और यहाँ पर ये सारे के सारे कॉल हिट हुए। और 23,050, जिसे मैंने बार बार मेरे ग्रुप में कहता था कि 23,050 जो है ये 156 नेक्स्ट है, जिसका लोअर 111 मिला था, और 111 के बाद में ये उड़ा और 207 208 इसने हिट दिया। और मेरे जो लेवल थे ना, मैंने टाइम भी दिया था कि 11:56। देखो एक दिन अगर मान लो मैं बाइंग देता हूँ तो चलो ठीक है, 2 दिन बाइंग देता हूँ तो ठीक है, 3 दिन बाइंग देता तो ठीक है, 4 दिन बाइंग, लेकिन आज के दिन भी मैंने बाइंग ही दी। तो वो एक दिन तो इंसान गलती करेगा, लेकिन आज के दिन भी कोई गलती नहीं हुई। 23,030 तक मेरा लॉन्ग पोजिशन था,
मेरे जो लेवल शॉर्ट कवरिंग के मैंने पहले से बता दिया था, आप देख रहे हो कि 1156 टिल लॉन्ग है, मतलब टाइम भी दिया था मैंने 22050 की स्ट्राइक, मैंने इतना कहा 22050 की स्ट्राइक 22062 तक गया ये सी, तो भैया बल्ले बल्ले होने वाली है, ये मैंने 1150 को लिखा हुआ है। तो और मैंने पैटर्न भी बताई कि भी अदाणी चार्ट की जिस तरह से पैटर्न बनी हुई है, इस तरह से पैटर्न बनने वाली है, यहाँ तक मैंने ग्रुप के अंदर मैंने सिग्नल दिया। एजुकेशन पर्पस ग्रुप है पूरा का पूरा मेरा, और यहाँ पर मैंने पुट के लोअर भी दिए कि 23100 की पुट। अब ये देखने वाली बात है कि 23100 की पुट यहाँ पर लोअर देने वाली है, और ये लोअर देने वाली है मतलब कि भाई वहां तक ही पुट गई, मतलब कि जहां पर मैंने सिग्नल दिया कि इस लेवल तक पुट जाने वाली है, मतलब कि उस लेवल तक ही कॉल जाने वाली है, मतलब 23110 की पुट है ना, जब तक लोअर नहीं देती तब तक, मतलब कि यहाँ पर जीटीटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीटीटी गुड ट्रिगर ट्रेड। तो पुट कहाँ से होने वाली थी, तो पुट यहाँ से होने वाली थी जीटीटी गुड ट्रिगर ट्रेड बराबर, जहां से एसडब्ल्यूपी होता है, एसडब्ल्यूपी का मतलब कि यहाँ से पैसा डाला और यहाँ पर आके पैसा निकाल लिया। तो हमने क्या किया भैया, मैंने जो लेवल दिया था वहां तक मेरा टारगेट हो गया, तो हमने भैया यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग बंद कर दी, और मैंने साफ साफ लिखा भैया 207 208 अगर टारगेट आता है, 240 टारगेट आता है, जो भी कोई आता है, तो एक काम करो प्रॉफिट बुक करो, इसके आगे हमें ट्रेडिंग करनी नहीं है। तो हमारी ट्रेडिंग देख लो, आपको टाइम भी मिलेगा यहाँ पर, और उस टाइम तक हमने ट्रेडिंग की, और मैंने बोला प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ शांति से बराबर। अब यहाँ पर जो सलीम सर है वो मेरे ग्रुप के अंदर जो खुद बैंकर है, तो इनको पता है कि भाई 175 से मैं जीत कर रहा हूँ, कि भाई मार्केट 2 से 2 से, तो ये बहुत खुश हुए, इन्होंने मुझे अपडेट दिया कि अशोक लेलैंड भाग गया, मतलब अशोक लेलैंड भाग गया, तब मार्केट अशोक लेलैंड का कहाँ पर था, 219 था, 227 नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अशोक लेलैंड एजुकेशन पर्पज टारगेट अपर सर्किट 227, अगर मान लो 1056 को मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर अशोक लेलैंड भी 227 टारगेट हिट दे रहा है, मतलब के बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया अगर मान लो आपको मार्केट के बारे में, एजुकेशन के बारे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, और इसी मार्केट को लेकर अपना एक कैरियर बनाना चाहते हो, और एसडब्ल्यूपी सीखना चाहते हो, मार्केट के अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान सीखना चाहते हो, भैया मैंने पैसा डाला और मेरे अपनी कैपिटल, मैंने अपना मुनाफा निकाल लिया, अब जो ऊपर बचा वो मेरा मुनाफा है बराबर, तो इसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी का पूरा पूरा फंडा है ना हमारे ग्रुप के अंदर, मैं सिखाता हूँ, और ये अगर सीखना चाहते हो एजुकेशन पर्पज, सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है भाई, अध्यात्म को लेकर सीखना है। यहाँ पर काफी लोग मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे ये परसों एक भाई साहब मेरे ग्रुप के अंदर आए, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज कही कि सर मुझे है ना आपके साथ जुड़ना है, मतलब ज्वाइनिंग लेनी है, तो उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग ली, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया भाई, सीखना शुरू किया पहले ही दिन है, और ये जो सर है इन्होंने क्या किया भैया, यहाँ पर सीखना शुरू किया रात पहले ही दिन, इन्होंने क्या किया, अच्छा खासा देखा मार्केट के, भाई सर ने जैसा बताया वैसे ही मार्केट के अंदर हुआ, मतलब कि इन्होंने परसों ही ज्वाइनिंग बनाई, और आज क्या हुआ, इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला बराबर। और ये आए कहाँ थे, तो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, जैसे फेसबुक पर मैं अपडेट डालता हूँ, तो फेसबुक पर मैंने अपडेट डाली थी, तो फेसबुक से ये सर आए, और उड़ीसा से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो उड़ीसा से, झारखंड से, अगर मान लो आप कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो मार्केट को, तो आइए जुड़िए, और इस कोर्स का मेडिटेशन के साथ हिस्सा बनिए। देखो अगर मान लो आप कमाने डायरेक्ट आ रहे हो, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूरी है, मतलब सीखना और समझना चाहते हो, मतलब साइकोलॉजी समझना चाहते हो, जैसे मैंने सुबह मेरे ग्रुप के अंदर कहा, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर मिलने वाला है, अगर आप राइटर हो तो जवाब एक ही हमारे अंतरात्मा से मिला कि अगर मान लो कॉल उड़ती है तो ही राइटर को प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉल कहाँ तक ले बोली थी मैंने उड़ने वाली, भैया कॉल बोली थी उड़ने वाली है भैया 23100 से बराबर, तो 23100 आया वहां पर, उनको ज्यादा मुनाफा मिला, और पुट के जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट भी सारे लिखे हो गए बराबर, इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि 23100 तो इन द मनी हुआ ना पुट के लिए, तो 23200 भी इन द मनी हुआ, तो 23200 की पुट चली वहां पे, और अच्छी खासी मूवमेंट दे रही है, लेकिन हमने तो भैया मुनाफा सुबह सुबह बना लिया। तो आशा करता हूँ इसके साथ अगर आपको सीखना हो, जैसे ये लिखा है कि थैंक यू वेरी मच सो मच, उनको मैंने ज्वाइनिंग किया, कोर्स के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया मैंने, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीटीटी गुड ट्रिगर टारगेट, जिसको कहते हैं कि मैंने बोला कि भाई 23100 तो वहां जाकर ही पुट चलने वाली है, मतलब कि वो था जीटीटी, लेकिन हमने क्या किया वहां तक मुनाफा बनाया, और हमने हमारा ट्रेड बना लिया इंट्राडे,
होल्डिंग लॉन्ग टर्म, होल्डिंग लॉन्ग टर्म का मतलब कि मैंने अशोक लेलैंड लिया था, मेरा टारगेट हिट हो गया। जीरो डेप की साइकोलॉजी क्या है, हाई डेप की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर मैक्स पॉइंट की साइकोलॉजी क्या है, तो ये सारी की सारी साइकोलॉजी क्या है हमारे ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ। और ये अगर सीखना चाहते हो तो मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और आपको अगर यहाँ से चाहिए तो मेरा नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि भाई आप कहाँ से हो, आपका इंटेंशन क्या है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भाई अगर मान लो आप सीधा कमाने के लिए आ रहे हो तो मेरे ग्रुप में ना आइए, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टिप प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर ब्लाइंडली गेम चलती है कि डूबा पैसा तो कोई रिप्लाई नहीं, आपको उड़ गया मार्केट तो बोले हाँ मैंने कहा था ये वाला लेवल आएगा, इस तरह की बात नहीं। एजुकेशन वहाँ नहीं है, GTT मेन एजुकेशन है यहाँ पर। अगला GTT कहाँ है, अगला डबल टॉप कहाँ है, यहाँ पर सारी की सारी तैयारी पहले से करके बैठता हूँ। भैया फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्बा ट्रेडिंग वाले को कहाँ पे जब सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, तो मार्केट कौन चला रहा है यहाँ पर, मार्केट लगता है लोगों को NSE BSE चला रहा है, लेकिन मार्केट NSE BSE चला रहा है ये बात नहीं, लेकिन मार्केट को दूसरे भी लोग चला रहे हैं जिसको कहते हैं डिब्बा ट्रेडिंग। तो डिब्बा ट्रेडिंग कहाँ तक हैच करेंगे, तो ये भी तो सीखना जरूरी है ना, इसलिए चैनल बनती है मार्केट के अंदर। तो भैया कौन किसे ज्यादा कहाँ पर फायदा है, डबल टॉप का मतलब क्या, डबल बॉटम का मतलब क्या, पीवोट का मतलब क्या, तो ये सारी चीज़ अगर सीखना चाहते हो तो मेरे ग्रुप से आप ज्वाइनिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सस्ता चार्ज है यहाँ पर। और अध्यात्म बोलते हैं ना कि जैसे भाई 9 महीने गर्भ में रखने के बाद में जो बच्चा है ना वो जन्म लेता है, तो वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वायरिंग्स होती है, वो धीरे 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 ग्रोथ करती है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपको, धीरे धीरे सारी चीजें आएगी। मतलब सारे के सारे सवालों को अगर मान लो घेरा बना लिया कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, भैया मैं तो जब एंट्री लेता हूँ तो मेरी तो ऐसे लीड होती है, तो ये सारे के सारे सवाल है ना, जब मेरे ग्रुप में आप आओगे तब जाके आपको ये समझने मिलेगा कि जब सवालों का अंत होगा ना तभी जवाब मिलना शुरू होगे, लेकिन सवाल जब घेरे में रहोगे तो जवाब आपको भी नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ सीखे समझे और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।